लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक ओर जहां देश के सबसे बड़े राज्य जहां से 80 लोकसभा सीट आता है उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए दोनों ही गठबंधन इंडी अलायंस और एनडीए गठबंधन अपने अपने दावे ठोक रहे हैं और मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। वहीं देश के दूसरे सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य महाराष्ट्र में आज ताबड़तोड़ तरीके से इंडिया अलायंस ने रैली की है। रैली का उद्देश्य भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन समारोह का है और यहाँ पे इसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसमें इंडी गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे से लेकर एमके स्टालिन, चंपई सोरेन, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव भी मुंबई पहुंच चुके हैं। आज शाम एक मंच पर सभी खड़े होंगे और एक साथ मिलकर ललकार देंगे, मोदी सरकार को चुनौती देंगे। वहीं 48 सीटों वाले इस राज्य को जीतने के लिए एनडीए अलायंस ने भी ताबड़तोड़ तैयारियां की है। इसी तैयारी के तहत एक ओर जहां शिवसेना को दो फार कर उसके ताकत को कमजोर किया गया है, वहीं एनसीपी को भी दो फार कर चाचा भतीजे में फूट डालने में कामयाबी हासिल की है। ऐसे में आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सियासत में एनडीए में शिवसेना शामिल थी और बीजेपी शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ी थी, जहां 40 से ज्यादा सीटों पर विजय हासिल हुआ था। हालांकि इस बार भाजपा के साथ उद्धव ठाकरे नहीं है, लेकिन शिवसेना भाजपा के साथ है, लेकिन शिवसेना का नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। वहीं भाजपा के साथ एक और मजबूत एनसीपी का भी चेहरा सामने आया है और एनसीपी भी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि असली एनसीपी और चुनाव चिन्ह एनडीए खेमे के साथ है, परंतु असली एनसीपी का संस्थापक शरद पवार इंडी अलायंस के साथ चले गए हैं। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा चुनाव में करीब 9 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 50,000 बुजुर्ग मतदाता बताए जाते हैं और इनमें से आप मान लें कि 70% के आसपास वोटिंग होनी है। ऐसे में पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन सरकार के काम को सामने रखकर वोट मांग रही है, वहीं विपक्ष सरकार के नाकामियों को उजागर कर रही है। अब देखना यह है कि सरकार की नाकामियों को भुनाने में एनडीए अलायंस सरकार के द्वारा किए गए कामों के बल पर एक बार फिर से जनता का विश्वास हासिल कर पाती है। इसके लिए आपको 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आने वाला है। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ। ऐसे तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।